हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजू और आज मैं बना रही हूं आलू टमाटर की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए मैंने लिए 3 आलू जिन्हें मैंने उबाल कर मैश कर छील कर मैश करके रखा है। इन्हें मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसके अलावा मैंने लिया है ये 2 टमाटर की प्यूरी है, 2 बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं कुछ मसाले, सूखा धनिया 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर ये मैंने आधा चम्मच से भी कम लिया क्योंकि मैं तीखा कम खाती हूँ, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने लिया टर्मरिक पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया पिसी हुई सौंफ, ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है, और आधा चम्मच मैंने लिया है सॉल्ट। इसके अलावा मैंने लिया ये कसूरी मेथी जो मैंने पहले से ही भून कर और हाथ से मसल कर रखी है, और मैंने लिया ग्रीन चिली। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें गैस को कर दिया है ऑन, और उसमें मैं डालती हूँ ये 1 चम्मच ऑयल। और ये ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी, ये आधा चम्मच मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी, आलू और मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और जैसे ही मेथी भुन जाए इसमें हरी मिर्च को छोड़कर मैं बाकी सारे मसाले डाल देती हूँ। मसाले पहले डाल दूँ तो जो कलर और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये मसाले भुन गए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। इस टमाटर को हम ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे, इसे मैं हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। इसमें आप खड़े मसाले भी डाल सकते हैं जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी या बड़ी इलायची, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो मसाला है ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैं अब डाल देती हूँ आलू। और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक चाहिए तो आप कम पानी डालिए, और कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए। मैं इसमें एक ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ जो मैंने काट कर रखी थी, और इसके अलावा मैं इसमें डालती हूँ आधा गिलास पानी, और इसको मिक्स करके देखती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पसंद करूंगी क्योंकि काफ़ी थिक हो गई है और पकने के बाद ये और थिक हो जाएगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। इसमें मैंने 1/4 गिलास और डाला है, इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसमें एक उबाल आने के बाद इसे ढक्कन लगाकर मैं 5-7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलू के अंदर मिक्स हो जाएं। इसमें उबाल जो है वो आना शुरू हो गया है, ये बॉईल होना शुरू हो गई है, तो मैं इसको अब लो फ्लेम पर डालकर ढककर 5-7 मिनट के लिए कुक करूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, 5-7 मिनट तक वेट करते हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ ये सब्जी कैसी बनी है। तो ये सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं फिनिश करूंगी थोड़े से गरम मसाले के साथ। और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये सब्जी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।